सीबीआई ने प्रथम जेपीएससी परीक्षा में गलत तरीके से चुने गए 20 परीक्षार्थियों के खिलाफ राज्य सरकार से कार्रवाई की अनुशंसा की है। गलत तरीके से नियुक्ति सभी परीक्षार्थी अब एडीएम रैंक में प्रोन्नत हो गए हैं, इसलिए इनके खिलाफ झारखंड सरकारी कर्मचारी वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। इसमें सरकारी सेवकों को बर्खास्त करने का प्रावधान है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जेपीएससी 1 में हुई गड़बड़ी के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज कर 12 साल में जांच पूरी की। इसके बाद विशेष न्यायाधीश की अदालत में कुल 37 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। इनमें 20 परीक्षार्थी, कॉपी जांचने और इंटरव्यू लेने वाले 12 प्रोफेसर और जेपीएससी के 5 अधिकारी शामिल है। बाद में सीबीआई ने गलत तरीके से नियुक्त परीक्षार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। इसमें 20 परीक्षार्थियों का नाम उल्लेख किया गया है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए प्रथम जेपीएससी में जो है 20 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर अनुशंसा की गई है, 20 अफसरों के जो गलत ढंग से सफल हुए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर, क्या कुछ फिलहाल बातें आ रही है सामने इसे लेकर? जी बिल्कुल, प्रथम जेपीएससी गड़बड़ी मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका बुद्धदेव उराव नामक व्यक्ति ने दायर किया था। अब उस याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गड़बड़ी की जांच का जो आदेश है वो सीबीआई को दिया था। सीबीआई ने 12 सालों तक, इससे अधिक समय तक जो है इस मामले को लेकर जाँच की और जाँच करते हुए सीबीआई के विशेष कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें 37 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसमें 20 अभ्यर्थी है जो अभी सरकारी सेवक के रूप में कार्यरत है, 12 प्रोफेसर है जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, परीक्षा कॉपी की जांच की थी 12 जो प्रोफेसर थे, इसके अलावा 5 जेपीएससी के अधिकारी इस मामले में थे जिन्हें सीबीआई ने आरोप पत्र जिसके खिलाफ दाखिल किया है यानी कि चार्जशीटेड आरोपी बनाया है। और उस चार्जशीट पर चूंकि सीबीआई के विशेष कोर्ट अभी तक संज्ञान नहीं ले पाई है, चूंकि विभागीय अनुशंसा की अनुमति होती है, अभियोजन अनुमति होती है, तो अभी तक विभागीय अनुमति नहीं मिल पाया है और यही वजह है कि इस पर अभी तक कोर्ट संज्ञान नहीं ले पाया है। लेकिन जो 20 अभ्यर्थी जो इस वक्त एडीएम रैंक में प्रोन्नत होकर के सेवा दे रहे हैं, वैसे 20 अभ्यर्थियों पर जो है वो गाज गिरने वाला है, चूंकि 20 अभ्यर्थियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ कार्रवाई करने का जो अनुशंसा है राज्य सरकार से की गई है और इसमें कह सकते हैं कि बर्खास्त करने का भी प्रावधान है, तो ऐसे में ये 20 अभ्यर्थी जो है जो इस वक्त एडीएम रैंक में परिणत होकर के सरकारी सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे 20 अभ्यर्थियों पर जो है वो गाज गिर सकता है, इस पर कार्रवाई होगी। और जिस तरह से हमने कहा भी कि बर्खास्त करने की भी इसमें प्रावधान है, तो जब राज्य सरकार इस पर अब कोई जब इसमें क्या कार्रवाई करती है वो देखना होगा, लेकिन जब ये अनुशंसा की गई है तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई ने इन सभी लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है कोर्ट में। और तो ये पूरा मामला है, चूंकि जेपीएससी प्रथम जेपीएससी का जब एग्जाम हुआ था और इसके बाद जो नियुक्ति की गई थी इसमें गड़बड़ी का मामला सामने आया था और इसी को लेकर के बुद्धदेव उराव नामक व्यक्ति ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। 12 साल से अधिक समय तक इस मामले को लेकर सीबीआई ने जाँच की है और अब जाकर के आरोप पत्र भी कोर्ट में दाखिल हो चुका है और ये 20 अभ्यर्थी जो कि सेवा दे रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा राज्य सरकार से की गई है, तो अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और जिस तरह से विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है, तो इसमें अब देखना होगा कि राज्य सरकार क्या क्या इसमें रुख होता है और क्या कार्रवाई की जाती है, ये फिलहाल इसको लेकर के इंतजार जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर से आपके साथ जुड़ते हैं एक दूसरी खबर को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।